इरफान अंसारी अपना खतियान लेकर के आए। इरफान अंसारी से 500 साल पुराना खतियान अगर भानु प्रताप शाही का झारखंड का नहीं होगा हम छोड़ देंगे। बोल रहे कि 500 पुराना खतियान है उनके पास, चैलेंज लगाइएगा राजनीतिक संन्यास ले। मैं चैलेंज लगाता हूँ, बोलिए दिखा दीजिए। 500 साल पुराना खतियान लेके बैठे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। उसको पूछिए, मेरे परिवार का इतिहास पता है लोग को, लोफर लोग को। रविंदर महतो जी अध्यक्ष जो हम लोगों के हैं वो निलंबन नहीं बर्खास्त भी करेंगे तो युवा का आवाज अब दबने वाला नहीं है। सड़क से लेकर के सदन तक भाजपा युवा के साथ थी, युवा के साथ है और युवा के साथ हम मिल करके लड़ेंगे। यूपीए ने हेमंत सोरेन ने इनको ठगा, कहा 5 लाख नौकरी दूंगा, अब 4,73,000 कुल सृजित पद है, 5 लाख नौकरी कहाँ से दे देंगे। इरफान मतलब मैड, इरफान को पता ही नहीं है संसदीय ज्ञान का, पागल हो गया पूरा। पता करवाइए इरफान जाकर के, पता करके कार्यस्थगन क्या है, कैसे विधायक बन करके आ जाता है ये लोग। अगर भाजपा की सरकार आएगी जो मेन रोड में अपराधी आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है, इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा और भानु प्रताप शाही खड़ा होकर के चलवाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हमारे साथ निलंबित विधायक भानु प्रताप शाही है। ये बताइए कि आप लोगों के पास कोई काम नहीं, बोल रहे कि कुछ काम नहीं बचा, बस यही करते रहिए, सत्ता पक्ष बोल रहा है, बहाना ढूंढ रहे थे राजनीति करने का, अब निलंबित कर दिया गया, आप लोग धरना दे रहे हैं यहां पर आकर। देखिए अगर हेमंत सोरेन जी या सत्ता पक्ष को यह लगता है कि युवा का बात करना, नौजवानों का बात करना, जेएसएससी के एग्जाम का बात करना, अनुबंध कर्मी के अस्थाई करने का बात करना यह गलत है, तो हम यह गलती ही सही, यह आवाज भाजपा के विधायक उठाते रहेंगे। रविंदर महतो जी अध्यक्ष जो हम लोगों के हैं वो निलंबन नहीं बर्खास्त भी करेंगे तो युवा का आवाज अब दबने वाला नहीं है। सड़क से लेकर के सदन तक भाजपा युवा के साथ थी, युवा के साथ है और युवा के साथ हम मिल करके लड़ेंगे। इरफान अंसारी दो सवाल किए, पहला तो कि कार्यस्थगन होता क्या है, भानु प्रताप को पता नहीं है। इरफान मतलब मैड, इरफान को पता ही नहीं है संसदीय ज्ञान का, पागल हो गया पूरा। पता करवाइए इरफान जाकर के, पता करके कार्यस्थगन क्या है, कैसे विधायक बन करके आ जाता है ये लोग। इसीलिए पूछ रहा है कि आपको नहीं पता। तो मैंने कल बोला था कि तुम्हारे घर पर सबसे पहले बुलडोजर चलेगा। अगर भाजपा की सरकार आएगी जो मेन रोड में अपराधी आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है, इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा और भानु प्रताप शाही खड़ा होकर के चलवाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बोले कि राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे अगर कार्यस्थगन में युवा का मुद्दा रहा होगा तो। आप प्रोसीडिंग निकलवा लीजिए, विधानसभा में जाकर के प्रोसीडिंग निकलवा लीजिए। अगर उसमें युवा का विषय छोड़ करके कोई भी विषय दूसरा होगा तत्काल मैं अपने विधायक की पद से इस्तीफा दे दूंगा। यह झूठ बोलने वाले लोग, कांग्रेसी लोग और जेएमएम के लोग अपने दामन में दाखने का काम करें। कह रहे हैं कि आप लोग खाली ढोंग कर रहे हैं, आप लोग जो है मतलब बिरंची नारायण की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, ये लोग झारखंड का सेंटीमेंट क्या समझेगा। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ बड़े ही स्पष्ट रूप से और पूरे जिम्मेवारी से, इरफान अंसारी अपना खतियान लेकर के आए। इरफान अंसारी से 500 साल पुराना खतियान अगर भानु प्रताप शाही का झारखंड का नहीं होगा हम छोड़ देंगे। ये बाहर का नवादा का आया हुआ आदमी आकर के हमसे पूछेगा कि खतियान का है। बोल रहे कि 500 पुराना खतियान है उनके पास, चैलेंज लगाइएगा राजनीतिक संन्यास ले। मैं चैलेंज लगाता हूँ, बोलिए दिखा दे, दिखा दे, हम क्यों जाएंगे, दिखा दे खाली। है खतियान आपके पास पहले? किसको? मेरे पास उससे पूछिए ना उसके, अगर उसका वो जानता होगा, अगर सही में पुराना होगा तो। 500 साल पुराना खतियान लेके बैठे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। उसको पूछिए, मेरे परिवार का इतिहास पता है लोग को, लोफर लोग को। आप उसको लोखर बोल रहे हैं, वो आप लोग को। मेरी बात सुनिए, मेरा परिवार का इतिहास देखिएगा ना, अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था, अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने का काम की मेरे परिवार ने किया, सादत दिया है मेरे परिवार। क्या बात करेंगे ये लोग, एक मिनट बात कर, कभी अफसोस होता है। सरकार दिया गया है, आप लोग चरण के बाहर है, जो जनता और युवाओं के जो मुद्दे उठाने के बजाय आप लोग बाहर बैठे हैं। देखिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। क्या कहिएगा, कह रहे हैं कि आप लोग जो है सलीके और तरीके से काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को निलंबित कर दिया। तरीका स्पीकर साहब को पूछिए जाके
कि 2014 से 19 में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेंबर थे कि नहीं। पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल झारखंड विधानसभा को 2014 से 19 तक नहीं चलने दिया। स्पीकर के ऊपर लात जूता, स्पीकर के ऊपर जूता चप्पल चलाया गया, स्प्रे चलाया गया। हम लोग क्या जूता चप्पल स्प्रे चलाए हैं? हम लोग यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं का सम्मान हो, राज की विधि व्यवस्था ठीक हो, और हमारे जो ये जो वर्तमान सरकार है इनकी गलत नीतियों का विरोध करने से अगर हम लोग को वो सस्पेंड करते हैं तो हम लोग बार बार निलंबन होना पसंद करेंगे। गुरंची जी आप लोग जो है जनता के मुद्दे या फिर जो युवाओं के रोजगार के जो मुद्दे थे, मात्र 2 दिन बचा रह गया है, आप लोग बाहर बैठ गए हैं, मुद्दा अंदर जा नहीं सकता है, क्या कहें? नहीं, अंदर हमारे विधायक हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विधायक अंदर है। देखिए, हम लोग जो झारखंड के लाखों नौजवान का सवाल है, उस सवाल को लेकर यहाँ बैठे हैं धरने पर। अब अंदर बैठ नहीं सकते, जो झारखंड के लाखों नौजवान हैं उनके विषय को कोई नज़रअंदाज कर नहीं सकता। यूपीए ने, हेमंत सोरेन ने इनको ठगा, कहा 5 लाख नौकरी दूंगा। अब 4,73,000 कुल सृजित पद है, 5 लाख नौकरी कहाँ से दे देंगे? आज भी 3.5 लाख जो सृजित पद हैं वो खाली हैं। तो हम तो यही कह रहे थे ना कि कार्यस्थगन पढ़िए। हमने कोई जूता चप्पल नहीं चलाया था, कोई गाली ग्लौज नहीं किया, कोई माइक नहीं तोड़ी। तो माइंड सेट कर लिया, खाली कराना है, करा दिया, मार्शल आउट करा दिया। तो झारखंड के नौजवानों की आवाज़ बुलंद करने से कोई रोक नहीं सकता। Follow up.in, like, share, and subscribe.